लगता है कि ना मतलब सेफ नहीं है। नहीं, ओटीपी के नहीं था, अल्माटी में हाँ, नहीं था। सिम्स तो नहीं है तो ऐसे इकोनॉमी है। थोड़ा बात हुआ वही भागम भागी थी, भागम भाग हुई तो बाय। चैनल अगर सेफ्टी की बात की जाए तो यार बात ऐसी है कि कोई भी कंट्री किसी भी मतलब फॉरेनर के लिए सेफ है नहीं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को देख लो, मतलब इंडिया में भी अगर बाहर से कोई आता है यानी कि फॉरेनर आता है तो उनको भी अपने लोग जो होते हैं वो अलग अजीब से ट्रीट करते हैं ना, तो एक ओड वे में। तो सेम वैसा ही किर्गिस्तान के अंदर है, हालांकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है ओड वे में, बट ठीक है। अगर तुम साल छः महीने यहाँ रहोगे ना तो तुम अडॉप्ट हो जाओगे यहाँ के लिए, ठीक है। और रही बात लड़कियों की, तो यार स्टार्टिंग में सेफ नहीं होता, तुम अकेले यहाँ कभी मत निकलना बाहर, जस्ट बिकॉज कि लोकल्स होते हैं वो थोड़ी मतलब बकवास करते हैं, यानी कि कुछ कुछ बोलना या वही जो इंडिया में होता है छपरी टाइप सिटी विटी मारना, ये सब तो होता ही है। एंड आज हम जा रहे हैं कुनिका को लेने के लिए, बिकॉज वो अकेली आ रही है आज इंडिया से। तो अभी शाम के हो रहे हैं 6:30 करीब, फ्लाइट लैंड होने वाली है उसकी, तो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। देख लो ऐसा एयरपोर्ट होता है यहाँ का, इतना कोई बड़ा खास है नहीं, छोटा सा ही है, जितने होता नहीं है। नियत 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 पाकिस्तान दादा, नहीं देखो लोग ऐसे पूछते चलते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और फिर इनको चिड़ होती है किसी बात पे बोल भी देते हैं, जैसे अभी पीछे वो था। तो ऐसा ही है भाई यहाँ पे, मतलब इतनी एजुकेटेड है नहीं लोग, ऐसे मतलब एक दूसरे टक्कर मारते चलते हैं किसी के भी, तो लोग ऐसे हमें देख के अनयूजुअल बिहेव तो करते ही हैं, है ना, कुछ कुछ चिढ़ जाते हैं हमारी आदतों से हमसे, या कोई किससे बोलता चलता नहीं है, थोड़ा सा तेज़ बोल दिया तो भी, यानी कि हम आपस में बात कर रहे हैं अगर एक दूसरे से, अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं तो उनको उससे भी चिढ़ हो जाती है, आके बोलने लग जाते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्या, ऐसा कितने तेज़ क्यों बोल रहे हो, ये है वो है, ठीक है। हम उस वाले गेट में रहते, उधर शायद दूसरी वाली कोई आती होगी फ्लाइट वगैरह, इधर से आई है 7:15 हो गया ना, पौना घंटा होगा खड़े खड़े। ये बताना, कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जैसे भी टैक्सी वाला था अच्छे से बोल रहे हैं, बट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इरिटेट होते हैं तुमसे बात करने में, बट कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जैसे कि ये है। हेलो 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 हेलो, सुनाओ क्या हाल है, लाओ मेरे दे दो भाई साहब, पकड़ो फोन लो ना, और बताओ बढ़िया कैसा रहा सब सफर, तेरी हुई क्यों, डर की रही है, डर नहीं रही है, क्या हो गया वन मिनट हो, बिस्तरो बिस्तरो बिस्तरो, और बताओ। अलमारी पे तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था, उसमें साइन इन करना पड़ता है सिम से और एयरटेल सिम पे, उसमें ओटीपी आएगा कोई होगा तो नहीं, कनेक्ट होगा, बट 30 मिनट्स का ले भी तो होता है कि 30 मिनट्स तो तुम कर सकते हो बिना ओटीपी के, नहीं था अलमारी में, हाँ नहीं था। तो फिर मैंने किसी और से लेके आया उसका ओटीपी यूज किया और तुमसे कांटेक्ट किया, उसे भी थोड़ा बात हुआ और वही भागम भागी थी, भागम भाग हुई तो मुझे चल चल चल, ये देखो कैसे लाल हो रही है, कोई बात नहीं होता है, फर्स्ट टाइम था ना, अब सेकंड टाइम तो ट्रेंड हो जाओगी तुम, ऐसे एकदम यूँ खुद ही आओगी, वो तो कह रही हाँ मैं आ गई। अरे नहीं कभी आई नहीं ना इसलिए। हाँ वही तो कह रहा, फर्स्ट टाइम था ना, हो जाएगा। ए व्रत, ऐता 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 मशीन ना,
इकोनॉमी मशीन ना तो सिम्स तो नहीं है तो ऐसा इकोनॉमी ऐसा कंफर्ट प्लस नहीं है ऐसा कंफर्ट नहीं है नहीं ऐसा कंफर्ट नहीं है ऐसा इकोनॉमी परे चलो परे गुड 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 चलो कुनिका जी और बताओ क्या ये बताओ मतलब क्या लगता है कि मतलब बिश्केक में मतलब ओहो हो ले भाई और लाइट हो गई गर्ल्स मतलब सिक्योरिटी का मतलब क्या कुछ हिसाब मतलब लड़कियों को अगर सेफ्टी की बात करें तो मतलब गर्ल्स के लिए कैसी कुछ सेफ्टी है बताओ है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी हाँ वैसे तो सेफ है वैसे सेफ है कुछ देखा मैं वही कह रहा था ना अकेले रहना ऐसे हाँ स्पेशली अकेले अकेले लड़की को देख के ज्यादा थोड़ा वो होता है ना लोग थोड़ा छेड़ने की कोशिश करते हैं इस टाइम मैं कह रहा था कि कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि लोग बकवास करते ही हैं बट इतना मतलब वो खतरनाक वाला तो नहीं होगा नहीं खतरनाक वाला थोड़ा थोड़ा मोड़ा कुछ बस फिर भी कोई साथ होना चाहिए हाँ एग्जैक्टली फिर भी कोई साथ होना चाहिए सही बात है नाइट में तो कहीं सेफ नहीं ना लड़का के लिए ना लड़की के लिए नाइट में सेफ है ही नहीं और मेन तो भैया के पुलिस वाले हैं उनसे बच के रहना नाइट में तो पकड़ लेते हैं हमारी टैक्सी अभी टैक्सी पकड़ रखी है हमारी देख लो पता नहीं क्यों पकड़ी है चेकिंग वैकिंग कर रहा होगा देखो वो हो रहा वो खड़े दिख रहे हैं ना हाँ दिख रहे हैं वो खड़े गर्ल से पूछवा दिया है गर्ल सेफ्टी के बारे में कहीं कहीं जगह पे सेफ है किसी किसी जगह पे सेफ नहीं है तो बस तुम यही है कि तुम ग्रुप में बना के चलोगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई तुमको कुछ बोले है ना तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप होगा अगर तुम ग्रुप में चलोगे तो यहाँ पता है बिश्केक के अंदर यूनिटी बहुत जरूरी है यार ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ खुद कर लोगे ठीक है यूनिटी बहुत जरूरी है दोस्तों की दोस्त बहुत जरूरी है यहाँ ना कोई मम्मी है ना कोई पापा है ना कोई मैनेजमेंट वाला तुम्हारी हेल्प करने आने वाला है टाइम पे ठीक है तो दोस्त ही होते हैं जब तुम कोई सिचुएशन फंस जाते हो तो वो तुम्हारी हेल्प करते हैं ठीक है तो अपने फ्रेंड से यूनिटी बना के रखना यार दोस्ती करके रखना बाकी मेरे तो सबसे ही है अभी से पूछो कितने रुपए लिए भाई के सोम चार्ज 400 का सिद्धू मूसे वाला मुस्का वो सब तो हो जाएगा फाइनली कुनिका को पहुंचा दिया उसे घर हाँ तो घर ढूंढ देंगे भाई ठीक है बात की है ठीक है फ्लैट मिलवा देंगे अभी तो एक दो दिन तो रुको फ्लैट मिलवा देंगे फ्लैट भी दिलवाएंगे और फ्लैट का टूर बनाएंगे वो व्लॉग बनाएंगे कि फ्लैट का क्या कुछ सीन होता है अभी साथ एक फ्रॉड हो गया छोटा सा हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया हालांकि बट ठीक है कोई बात नहीं हो गया मैनेज हो गया सब कुछ ठीक है तो कुनिक साथ फ्रॉड हुआ है ये तो मैं लगाऊंगा मैं ठीक है चलो फिर मिलते हैं ठीक है बाय ध्यान रखना बाय भाई फाइनली कुनिका को ड्रॉप कर दिया है उसकी किसी जूनियर के फ्लैट पे क्योंकि उसका फ्लैट नहीं हो पाया कुछ फ्रॉड हो गया आखिर में जो एजेंट था जो फ्लैट दिलाने वाला था उसने मना कर दिया कि नहीं हो जो फ्लैट उसने बुक किया था वो फ्लैट पहले से सोल्ड आउट हो गया है ना अब उस वो वाला फ्लैट तो सोल्ड आउट हो गया तो लड़कियों को भाई दिक्कत होती है यार यहाँ पे मतलब अगर कोई किसी का नोन ना हो तो इसलिए सबसे बना के रखो यार हालचाल सबका पूछते रहो क्या पता किसकी ज़रूरत पड़ जाए यहाँ पे कुछ नहीं मालूम यहाँ का तुम किसी मतलब तुम किसको बोलोगे एंड टाइम पे इतना और रात को इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब 8:30 हो रहे हैं और इस टाइम तो बहुत अंधेरा हो जाता है मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई बहुत दिक्कत होती है इसलिए यार सबसे कॉन्टैक्ट करके रखो और यूनिटी बना के रखो मेन बात ये है और लड़कों के लिए फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी लड़कियों के लिए भाई थोड़ा ज़्यादा है लड़कियों के लिए ठीक है लेकिन वहाँ वो बात अलग है 6-7 महीने में अडप्ट हो जाती हैं यहाँ के हिसाब से ठीक है तो इसलिए ध्यान रखो और
चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब चाहिए अपने को, बस एक सब्सक्राइब चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।